कंडीशन वगैरह देख सकते हो, बिल्कुल ही मस्त कंडीशन दिया गया है इस प्राइस में, तो बिल्कुल ही मस्त कंडीशन बोलूँगा। और फ्रेम वगैरह बिल्कुल ओके दिया गया है। मैं ज़रा से भी यहाँ पर ऐसे रखता हूँ तो फिंगर का यार दाग लगना तय है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरु का गैजेट में, और मैं हूँ आपका भाई प्रिंस। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आ चुका हूँ एक नए अनबॉक्सिंग वीडियो रिफर्बिश्ड फ़ोन की, और इस बॉक्स के अंदर है भाई आईफोन 10 यानी आईफोन एक्स, जिसे मैंने सुपर सेल से 7500 रुपये के समथिंग में परचेज किया है। जी हाँ, ओनली 7500 रुपये में मैंने इस फ़ोन को परचेज किया है, और ये मैंने ई ग्रेड यानी सुपर सेल का जो सबसे लोएस्ट ग्रेड होता है उसमें मैंने परचेज किया है ई ग्रेड में। और आज हम देखने वाले हैं 7500 रुपये में मुझे जो आईफोन 10 मिला है वो किस प्रकार का मिला है, कंडीशन वगैरह क्या है उस फ़ोन की, कहीं डमी तो नहीं भेज दिया गया। तो भाई, आप सभी का अगर कोई सवाल या सुझाव है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं डेली के डेली स्टोरी पोस्ट करता रहता हूँ इंस्टाग्राम पर, जो भी फ़ोन सुपर सेल पर अवेलेबल होते हैं कम प्राइस में उसकी स्टोरी मेरे इंस्टाग्राम पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा मुझे। और कोई फ़ोन ऑर्डर करवाना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, मुझे फॉलो करके वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। और ये है कैसीफाई के सुपर सेल का बॉक्स, आप देख सकते हो कैसीफाई आपको हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से मैं इसे भी कट करता हूँ। अंदर एक बिल दिया गया कैसीफाई का। सबसे पहले मैं आपको प्राइस ही दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो आप आईफोन एक्स 3 और 64 का वेरिएंट, प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पर 7470 रुपये में मैंने इस फ़ोन को परचेज़ किया, यानी 7500 से भी कम में ई ग्रेड का मैंने इस फ़ोन को लिया हुआ है, स्पेस ग्रे। और यहाँ देख सकते हो ये फ़ोन, हमें कोई भी ब्रांड बॉक्स या चार्जर वगैरह नहीं मिला है, सिर्फ फ़ोन दिया गया है। और देखता हूँ कंडीशन वगैरह कैसा दिया गया, क्योंकि मैंने ई ग्रेड में परचेस किया है। तो देख सकते हो कंडीशन वगैरह तो बिल्कुल ओके दिया गया है, फिज़िकल कंडीशन की अगर बात करूँ तो ठीक ठाक कंडीशन दी गई है, स्क्रैच वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है ज़्यादा, बिल्कुल माइनर सा स्क्रैच देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ही माइनर सा। आईफोन 8 प्लस की आपने अनबॉक्सिंग देखी होगी, उससे कम स्क्रैच इस फ़ोन में देखने को मिल रहा है बैक पैनल में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हेयर लाइन स्क्रैचेस देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और तो आपको लगभग यहाँ पर मिल जाएगा थोड़ा सा। फ्रंट में आपको दिखाता हूँ, फ्रंट में आपको कहाँ मिलेगा, तो फ्रंट में लगभग ही कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम माइनर सा देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर बस इतना ही आपको हेयर लाइन स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिलेगा, यहाँ देख सकते हो। तो ऐसा ही कंडीशन आपको कुछ देखने को मिलता है। और फ्रेम वगैरह देख सकते हो बिल्कुल ओके दिया गया फ्रेम, और फ्रंट भी ओके दिया गया है, हालांकि इसमें हेयर लाइन स्क्रैचेस कुछ ना कुछ देखने को आपको जरूर मिलेंगे, बीच बीच में हेयर लाइन स्क्रैचेस हैं, बट इस प्राइस में आपको इससे ज़्यादा अच्छा कंडीशन देखने को शायद ही मिल पाए। और फ़ोन काफ़ी हैवी वेट है,
बैक और फ्रंट दोनों में ही आपको ग्लास देखने को मिलेगा और गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। और ये जो आप फ्रेम देख रहे हो स्टेनलेस स्टील का मिलता है, तो वेट थोड़ा फ़ोन का हो जाता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लुक लग रहा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट, एक हाथ से आप यूज कर सकते हो। 5.8 इंचेस का आपको इस फ़ोन में डिस्प्ले मिल जाता है, OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है इस फ़ोन में। तो काफ़ी हैंडी और काफ़ी मस्त सा डिवाइस लग रहा है। मैंने पहली बार यार आईफोन 10 कभी हाथ में पकड़ा ही नहीं था, पहली बार पकड़ा है भाई। तो चलिए इस फ़ोन को मैं जल्दी से ऑन करता हूँ, देखता हूँ ऑन होता है या नहीं। तो फ़ोन तो ऑन है भाई, लेकिन ये लॉक्ड फ़ोन है। फ़ोन ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो। आपको शायद पूरा एप्पल दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, बट यहाँ देख सकते हो फ़ोन ऑन हो चुका है, ये लॉक्ड है, आप देख सकते हो लॉक्ड दिख रहा है। और इसे जब तक मैं अनलॉक नहीं करवा लेता तब तक ये अनलॉक होने वाला नहीं है। मैं चलिए सेटअप तो कर लेता हूँ पहले, अगर सेटअप हो जाता है भाई तो। यहाँ देख सकते हो iPhone locked to owner, यहाँ पर iPhone locked दिख रहा है और जब तक इसे अनलॉक नहीं करवा लेता हूँ तब तक ये मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, देख सकते हो आप। तो यही प्रॉब्लम है, अनलॉक नहीं है ये फ़ोन। तो ऐसा ही कंडीशन आपको कुछ देखने को मिलता है। तो आप सभी ने देखा कि फ़ोन की कंडीशन तो बिल्कुल एक्सीलेंट यानी परफेक्ट दी गई थी, कहीं भी कोई डैमेज वगैरह देखने को नहीं मिला, स्क्रैच वगैरह हेयरलाइन स्क्रैचेज आपको तो कहीं ना कहीं देखने को मिले होंगे। और डिस्प्ले वगैरह बिल्कुल भाई ओरिजिनल दी गई थी, कोई भी कॉपी डिस्प्ले नहीं दिया गया था, कॉपी डिस्प्ले मेंशन रहता है अगर दिया जाता है तो। और आप सभी का अब यही सवाल होगा कि आपने ये फ़ोन को किया क्या या तो क्या करोगे। तो भाई ये फ़ोन मैंने OLX पर सेल कर दिया है, वो भी 10,000 रुपये के समथिंग में, 9,500 में मैंने इस फ़ोन को सेल कर दिया OLX पर। जिन्हें भी ज़रूरत थी यानी कि बॉडी और डिस्प्ले की किसी भाई को ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझसे वो फ़ोन परचेस कर लिया। और भाई आप सभी को अगर कोई भी फ़ोन ऑर्डर करवाना हो मुझसे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर ही सकते हो इंस्टाग्राम पर। और आप सभी का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक वगैरह कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर नहीं किया तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।